हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यूज ऑफ कंटिन्यूअस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम। सो बेसिकली आज हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यूज की, एंड इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जो एग्जांपल आपके लिए थ्रू आउट द सिलेबस बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये पूरे के पूरे सिलेबस में यूज होने वाला है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, आइगन फंक्शन हम कहते किसे हैं? तो सपोज करिए आपके पास कोई LTI सिस्टम है। यहां पर मैं आपको कंटिन्यूअस टाइम LTI सिस्टम का एग्जांपल लेके बता रहा हूं, जिसका इनपुट है आपका XT और आपका आउटपुट है YT और सिस्टम का इंपल्स रिस्पांस क्या है, आपका HT है। तो यहां पर अगर आपका जो YT है वो AXT के इक्वल हो जाए, ठीक है, तो XT जो है आपका वो कहलाएगा आइगन फंक्शन। बोलने का मतलब क्या है कि अगर रिस्पांस ऑफ द सिस्टम जो है आपका वो सेम एज इनपुट हो, जो आपने इनपुट दिया है ना XT, रिस्पांस भी आपका इनपुट के जैसा ही हो, इनपुट ही हो बेसिकली, तो वो जो इनपुट है ना वो कहलाता है आपका आइगन फंक्शन। तो ये है आपका आइगन फंक्शन, और ये जो इनपुट के साथ मल्टीप्लीकेशन में होगा वो आपका कहलाएगा आइगन वैल्यू। पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से? तो अगर आपका आउटपुट जो हो वो सेम एज इनपुट हो, तो जो इनपुट होगा LTI सिस्टम का जो आउटपुट में भी प्रेजेंट हो गया वो इनपुट कहलाएगा आपका, वो XT आपका कहलाएगा आइगन फंक्शन, और जो XT के साथ मल्टीप्लीकेशन में होगा वो आपका क्या कहलाएगा, आइगन वैल्यू। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन थी, यही डेफिनेशन आपके डिस्क्रीट टाइम के लिए भी वैलिड है, दैट मीन्स XN, YN, AXN। तो यहां पर सबसे पहले जैसा मैंने आपको बोला कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स दूंगा जो आगे जाके फॉर्मूले बनेंगे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में, तो ध्यान से समझिए। सपोज करिए यहां पर अगर मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करूं, XT इज इक्वल टू e^j0t। तो ये जो आपका एग्जांपल है जिसमें आपको XT गिवन है, आपको यह प्रूफ करना है कि यह आइगन फंक्शन है, अगर है तो। और दूसरा पॉइंट, अगर आइगन फंक्शन प्रूफ हो जाता है तो फिर आपको यहां पर आइगन वैल्यू भी डिटरमाइन करनी है। तो ध्यान से समझिए, हमें पता है कि जो आउटपुट होता है किसी भी LTI सिस्टम का वो बेसिकली इनपुट और इंपल्स रिस्पांस का कॉन्वोल्यूशन होता है। हमने एक कॉन्वोल्यूशन बहुत बार आप देख रखा है, ठीक है ना, ये तो लगभग हम लास्ट टॉपिक में अब पहुंच गए हैं। तो आप देखिए जो फॉर्मूला होता है कॉन्वोल्यूशन का वो होता है आपका ये या ये, मीन्स माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी x ऑफ t माइनस टाउ h टाउ d टाउ। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर से बोला हुआ है। अब आप ध्यान से समझिएगा कि यहां पर मैंने दोनों फॉर्मूले क्यों लिखे हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमने ये फर्स्ट फॉर्मूला ही यूज किया हुआ है। तो समझिए, अगर आपको इसे आइगन फंक्शन प्रूफ करना है तो आपको ये नीचे वाला फॉर्मूला ही उठाना होगा। तो जब भी ना आपको कोई फंक्शन दिया होगा और उसे अगर आपको आइगन फंक्शन प्रूफ करना है, दैट मींस आपको आउटपुट और इनपुट में अपने आप से प्रॉब्लम में कोई रिलेशनशिप ना गिवन हो, ठीक है, आपको सिंपल कॉन्वोल्यूशन फॉर्मूला ही जो आप जानते हो वो यूज करना हो, तो ऑलवेज प्रिफर करिए नीचे वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए। और मैंने आपको एक और बात बोली कि आउटपुट इनपुट में कोई रिलेशन ना गिवन हो प्रॉब्लम में, तो जब हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर देखोगे आउटपुट इनपुट में कुछ क्वेश्चन में रिलेशनशिप भी गिवन होगा, तब फिर आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, तब जो रिलेशनशिप गिवन होगा वो आप यूज करोगे। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं उसे ध्यान से समझिए कि जब आपको रिलेशनशिप ना गिवन हो, बस आपको यह पता हो YT जो है LTI सिस्टम का रिस्पॉन्स है, XT इनपुट है, तब आपको पता है कि कॉन्वोल्यूशन वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप बेसिकली नीचे वाला फॉर्मूला यूज करना, ऊपर वाला मत करना, प्रूफ नहीं कर पाओगे। अब आप खुद देखो क्यों। देखो, जब आप नीचे वाला फॉर्मूला यूज करोगे यहां पर, तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एक्स ऑफ टी माइनस टाउ, दैट मींस e^j0t माइनस टाउ, फिर एच ऑफ टाउ, तो एच ऑफ टाउ को आप एसिटीज लिख दो। तो यहां पर अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो इंटीग्रेशन होता है आपका वो टाउ के रेस्पेक्ट में होता है, ये बात हमें पता है। तो यहां पर आप देखो e^ जो j0t वाला टर्म है, टी तो कांस्टेंट है ना टाउ के रेस्पेक्ट में, ओमेगा नॉट वैसे ही कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा
ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी वाला टर्म आपका आउटसाइड आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा देखो एच टाउ ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टाउ डी टाउ ये आपका अंदर बच जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ? तो देखो अभी इसको क्या बोलते हैं वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन एक बात देखो आपका इनपुट ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी था, आउटपुट में जो वाई टी आप निकाल रहे हो उसमें एक टर्म आपका ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी आ गया जो आपको चाहिए था। आइगन फंक्शन तभी प्रूफ होगा जब आप ये कर पाओगे। तो ध्यान से समझ पा रहे हो कि अगर आप एच ऑफ टी माइनस टाउ ले लेते तब क्या प्रॉब्लम होती, तब आपका कभी भी ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी आपका बाहर नहीं आ पाता डायरेक्टली, कुछ ना कुछ अज्यूम करके फिर आप लाते वो एक अलग बात है, लेकिन इससे आप कितना आसानी से ये काम कर सकते हो क्योंकि आपका टारगेट था कि एक्स टी को आपको आउटसाइड दिखाना है और हमें स्टार्ट से पता है कि ये दोनों फॉर्मूले सेम है, ठीक है? तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते थे। तो यहां पर अब देखो ये जो एच टाउ ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टाउ डी टाउ है वो क्या होता है, जैसे मैंने बोला ये जो भी हम पढ़ रहे हैं वो आगे आने वाले सिलेबस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे आप एक टॉपिक पढ़ोगे फोरियर ट्रांसफॉर्म, बेसिकली कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो वहां पर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या देखोगे, अगर आपको एच टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो उसे आप शो करोगे एच एफ से, तो एच एफ का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, एच टी ई की पावर माइनस जे टू पाई एफ टी डी टी, और आप चाहो तो सेम चीज को एच ओमेगा से भी शो कर पाओगे, उसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट एच टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। तो ये आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होगा, आप एफ के फॉर्म में भी स्टडी करोगे ओमेगा के फॉर्म में भी। तो इसमें से अगर अब हम एच ऑफ ओमेगा वाला फॉर्मूला चूज करें और इस एच ओमेगा वाले फॉर्मूले से अगर हम कंपेरिजन करें इसका, तो आप ध्यान से देखोगे और ध्यान से समझोगे। देखो मैंने हमेशा आपको बहुत बार बोला हुआ है पूरे के पूरे सिलेबस में कि वेरिएबल चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? वेरिएबल चाहे टी हो चाहे टाउ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फंक्शन सेम होना चाहिए, लिमिट सेम होनी चाहिए। तो आप देखोगे अगर, तो यहां पर आप देख पाओगे कि माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट आपकी लिमिट है, ये है आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि यहां पर टाउ के रेस्पेक्ट में है, यहां पर आपका टी के रेस्पेक्ट में है, एंड इसके बाद अगर आप देखोगे तो एच टाउ एच टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टाउ, यहां पर क्या है ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी, तो सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है लेकिन छोटा सा एक डिफरेंस है। आप देखो ध्यान से, यहां पर जो ओमेगा होता है ई की पावर में वही ओमेगा यहां आता है एच ओमेगा, तो यहां पर देखो सब कुछ सेम है लेकिन ओमेगा की जगह क्या है, ओमेगा नॉट है, ठीक है ना? मैं फिर से बता रहा हूं टी या टाउ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर अब अगर आप इसे लिखने के लिए जाओगे तो क्या लिख सकते हो, ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी इंटू एच ऑफ ओमेगा नॉट, क्लियर है? तो आप देखो यहां पर ओमेगा था तो यहां पर ओमेगा आया, यहां पर ओमेगा नॉट है तो यहां पर भी ओमेगा नॉट आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो आपका आंसर आया है वाई टी वो आया है आइगन फंक्शन इंटू एच ऑफ ओमेगा नॉट जो कि कहलाएगा आइगन वैल्यू। तो ये हो गया आपका आइगन फंक्शन जो हमने प्रूफ कर लिया और इसके साथ जो मल्टीप्लाई में आया वो है आपका आइगन वैल्यू। तो देखो यहां पर जो आपको पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंड करना है, आपने अभी तक फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा नहीं है तो आप सोच रहे होगे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला हम क्यों लिख रहे हैं, आपको अभी उसके लिए वरी नहीं करना है। आगे जाकर जब आप कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ोगे तो इस फॉर्मूले को इतनी बार यूज कर लोगे ना क्लास में, कम से कम 100 बार यूज होगा कम से कम, तो वो आपको अपने आप याद हो जाएगा, तो उसके लिए आपको वरी नहीं करना है। तो यहां पर ये जो एच ऑफ ओमेगा नॉट हमने लिखा है बेसिकली वो क्या किया है, हमने पहले एच ऑफ ओमेगा निकाला, मतलब आप क्या करोगे एच टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालोगे और उसमें ओमेगा की जगह पुट कर दोगे ओमेगा नॉट। अगर आपको एग्जाम में डायरेक्टली एच ऑफ ओमेगा गिवन है तो डायरेक्टली बस आप ओमेगा नॉट देख लो। ओमेगा नॉट कहां से देखोगे, जो आपका e की पावर j और t के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन होगा वो आपका क्या होगा, ओमेगा नॉट होगा। लेट सपोज e की पावर j 3t गिवन है तो ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा 3, तो बस आपको क्या करना होगा जो भी h ओमेगा होगा उसमें ओमेगा नॉट की जगह या ओमेगा की जगह सिंपली 3 पुट कर देना होगा। क्लियर हो गया अच्छे से? तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल था आइगन फंक्शन का, और साथ ही साथ जैसा मैंने बोला एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है फूरियर ट्रांसफॉर्म में बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी।
नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, तो आप देखो नेक्स्ट एग्जांपल में लेट सपोज अगर मैं लेता हूं एक्स एन इज इक्वल टू ई की पावर जे ओमेगा नॉट एन, काफी मिलता जुलता एग्जांपल है, आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस पे मैंने लिया था ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी, यहां पर हम कंसीडर कर रहे हैं ई की पावर जे ओमेगा नॉट एन। तो आप ध्यान से देखो, डिस्क्रीट में जो हमारा फॉर्मूला होता है कॉन्वोल्यूशन का, वो क्या होता है, के इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एक्स ऑफ एन माइनस के इंटू एच ऑफ के। जैसे मैंने बोला कंटिन्यूस में भी आपको एक्स ऑफ टी माइनस टाउ वाला फॉर्मूला यूज करना है, तभी आप बहुत आसानी से प्रूफ कर पाओगे। यहां पर सेम है आपका कि आपको एक्स ऑफ एन माइनस के वाला फॉर्मूला यूज करना है, तभी आप बहुत इजिली प्रूफ कर पाओगे। तो आप देखो यहां पर जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहां पर हो जाएगा एक्स ऑफ एन माइनस के मतलब e की पावर j ओमेगा नॉट n माइनस के इंटू एच ऑफ के। क्लियर है पॉइंट? तो अब अगर आप देखोगे, आप यहां पर जो समेशन कर रहे हो वो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, k के। तो यहां पर जो n वाला टर्म है वो आउटसाइड कर सकते हैं क्योंकि n जो हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा k के रेस्पेक्ट में। तो आप देखो e की पावर j ओमेगा नॉट n आउटसाइड समेशन k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एच ऑफ के e की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट के। तो यहां पर अब अगर आप फिर से देखोगे तो वाई एन जो आपका आया है उस पर आप देखो एक्स एन आपको मिल चुका है वापस से, दैट मींस ये एक्स एन जो है वो आइगन फंक्शन है, ये बात हमने वापस से प्रूफ कर ली है। अब आप देखो ये ऑब्वियस सी बात है आइगन वैल्यू होना चाहिए, लेकिन ये है क्या, इसे भी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे के सिलेबस में बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। तो आगे के सिलेबस में आप पढ़ोगे डीटीएफटी डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, जिसका फॉर्मूला आपका होता है एच ओमेगा इज इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट एच एन ई की पावर माइनस जे ओमेगा एन। तो ये आपका होगा डीटीएफटी का फॉर्मूला, ठीक है। जिस तरीके से कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वैसे ही होता है आपका डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो यहां पर जैसा मैं हमेशा बोलता हूं वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, लिमिट सेम होनी चाहिए। तो आप देखो वहां वेरिएबल n था, यहां वेरिएबल k है, कोई फर्क नहीं है। लिमिट देखो दोनों में माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट है, दोनों में h h है तो एच एन एच के। उसके बाद देखो दोनों में e की पावर माइनस है, दोनों में ही j और वेरिएबल, यहां पर भी j और वेरिएबल, वहां वेरिएबल n था यहां वेरिएबल k है, लेकिन यहां पर जो भी ओमेगा होता है वो सेम आपका यहां रखा जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखो ओमेगा नॉट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, यहां पर हो जाएगा e की पावर j ओमेगा नॉट n इंटू एच ऑफ ओमेगा नॉट। तो अगेन ये आपकी कहला जाएगी आइगन वैल्यू और ये आपका कहलाएगा आइगन फंक्शन। तो डीटीएफटी में भी आप देखोगे इस तरह की प्रॉब्लम्स जब हम डीटीएफटी स्टडी करेंगे। तो अभी बस आपका बेस बन रहा है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्लियर। तो जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा उसमें आपको गिवन है एक्स टी इज इक्वल टू ई की पावर ए टी, ठीक है। ए इज एनी कांस्टेंट, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जिस तरीके से ओमेगा नॉट कांस्टेंट था वैसे ही आपका ए भी कांस्टेंट है। तो आप देखो आपको पता है अब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एक्स टी माइनस टाउ एच टाउ डी टाउ। तो यहां पर जो आपका फॉर्मूला निकलेगा वो कितना निकल जाएगा, e की पावर a t माइनस टाउ एच टाउ डी टाउ। अब जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, आप भी जानते हो e की पावर a t आउटसाइड हो जाएगा क्योंकि आपका जो इंटीग्रेशन है वो है टाउ के रेस्पेक्ट में, तो अंदर क्या बचेगा एच टाउ e की पावर माइनस ए टाउ डी टाउ। तो ये तो फिक्स है कि ये आइगन फंक्शन है, ये क्या है, ये आइगन वैल्यू है, ठीक है, लेकिन ये है क्या। तो देखो आगे जाकर आप एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ोगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आप पढ़ोगे एच एस जो कि एच टी का लाप्लास होगा, उसका फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन एच टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। अगेन वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, टाउ है कि टी है, लिमिट्स देखिए आप सेम है, दोनों में आप देख सकते हो लिमिट सेम है, दोनों में h और h है, वहां पर dt है यहां d tau है, लेकिन e की पावर में आप देखो e की पावर में tau e की पावर में t, ठीक है माइनस साइन भी ठीक है, लेकिन देखो जो s होता है वही यहां पर आता है hs। तो इसका मतलब देखो इसमें और इसमें सिर्फ एक चेंज है, s की जगह a है, तो
तो बेसिकली यहां पर क्या आ जाएगा आपका एच ए। तो आपको क्या करना होगा, आपको एच एस निकालना होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा एच टी का, और उसमें बस एस की जगह ए पुट कर देना होगा। ए कहां से मिलेगा, यहां से। जो भी आपको प्रॉब्लम गिवन होगी, लेट सपोज प्रॉब्लम आपको गिवन है एक्स टी इक्वल टू ई की पावर 2t, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2। काफी इजी है, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स हम आगे आने वाले जो सिलेबस होगा हमारा वहां डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं आपको कुछ 2-3 प्रॉब्लम करवाऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम LTI सिस्टम से रिलेटेड। तो यहां पर ये जो हमारा आया है इसमें ये क्या कहलाएगा आपका e की पावर 80 आइगन फंक्शन, और ये क्या कहलाएगा आपका आइगन वैल्यूज, ठीक है। नाउ लास्ट एग्जांपल, जिस तरीके से हमने कंटिन्यूअस के 2 कर लिए हैं वैसे ही अब हम डिस्क्रीट के भी 2 करेंगे। तो लास्ट एग्जांपल आपका डिस्क्रीट पे होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो होगा आपका, इसमें आपको गिवन है xn इज इक्वल टू a की पावर n, ठीक है। तो यहां पर आपको पता है कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, yn। अब आप चाहो तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पर आप yn का फॉर्मूला लिख लो, तो कितना होता है x ऑफ n माइनस k इंटू h ऑफ k, ठीक है। तो यहां पर आपको पता है कि k के रेस्पेक्ट में सम्मेशन है, तो n वाला टर्म क्या हो जाएगा आउटसाइड, तो a की पावर n, और k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एच के ए की पावर माइनस के। तो जिस तरीके से जब हमने कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म देखा तो उसके रेस्पेक्ट में फिर हमने डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म देखा, वैसे ही कंटिन्यूअस में जब आप लाप्लास देखते हो तो उसके रेस्पेक्ट में डिस्क्रीट में होता है जेट। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू LTI सिस्टम वाले टॉपिक में भी बताया था। तो यहां पर बेसिकली जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एच ऑफ जेड ये आपका होता है समेशन एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एच एन जेड की पावर माइनस एन। तो यहां पर फिर से वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देखो एन का समेशन है के का समेशन है, लेकिन दोनों में लिमिट सेम है, दोनों में एच और एच सेम है। बस यहां पर आप देखो वहां पर जेड की पावर माइनस एन था मतलब माइनस वेरिएबल था, यहां पर ए की पावर माइनस के है मतलब माइनस वेरिएबल है, ठीक है। तो यहां पर देखो जो जेड था ना वो यहां पर आता था एच ऑफ जेड, तो यहां पर ए है तो क्या आ जाएगा एच ऑफ ए। तो फुल एंड फाइनल आपका आंसर आ जाएगा ए की पावर एन इंटू एच ऑफ ए। तो डिस्क्रीट में जब भी आपको ए की पावर एन का फॉर्मेट दिखाई देगा, ए की पावर मतलब कॉन्स्टेंट की पावर एन का, लेट सपोज 2 की पावर एन 3 की पावर एन, तो ए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा इस तरीके से। तो जब भी आपको इस तरीके का फॉर्मेट दिखाई देगा डिस्क्रीट में इनपुट का, तो वो हमेशा आइगन फंक्शन का फॉर्मेट होगा। उस केस में जो आप फाइनल आंसर निकालोगे उसके लिए आपको कोई कॉन्वोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, फाइनल आंसर सिर्फ आपका इतना ही होगा ए की पावर एन इंटू एच ऑफ ए। क्लियर, एच ऑफ ए आपको पता ही कैसे निकालना है, पहले आप एच जेड निकालोगे और जेड की जगह ए पुट कर दोगे। तो ये आपका जेड ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड एक एग्जांपल था। तो बेसिकली जो आगे जाकर हम ट्रांसफॉर्म पढ़ने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो उसमें से 4 इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्म के लिए मैंने आपको आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन के एग्जांपल दिए हैं। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा सारे के सारे ट्रांसफॉर्म का, वैसे बहुत कुछ पढ़ना है हमें उसमें, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर्मले वाइज आपको एक रिलेशन पता चल गया होगा डिस्क्रीट में आप क्या पढ़ते हो, कंटिन्यूअस में आप क्या पढ़ते हो। लेकिन जो मेन मोटिव था इस लेक्चर का वो यही था कि आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन आप किस तरीके से कैलकुलेट कर पाओगे या किस तरीके से आइगन फंक्शन प्रूव कर पाओगे। तो आई होप ये आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अब जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था कि अगर आपको अपने आप से इनपुट आउटपुट में रिलेशनशिप गिवन हो तब आप कैसे कैलकुलेट करते हो, तब आप कैसे प्रूव करते हो, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।